आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं निशान गौतम, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता। नमस्कार दोस्तों, मैं संवाददाता सोनू कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के माहौल हैंडल से, यहाँ जेई साहब चेक करने के लिए आए हैं बिजली विभाग से राजापुर माफी में। आइए हम इनसे जानते हैं क्या चेकिंग का दौरान चल रहा है, व्यवस्था क्या है। भैया, ये जो चेकिंग चल रहा है ये क्या प्रक्रिया है? इसमें देखिए क्या नाम है, विभाग की तरफ से हम लोग को जो आदेश मिला है जी, कि जिनका बकाया है जी, वो बकाया अपना ससमय जमा कर दें जी। उनके पास अगर मान लीजिए पूरा बैलेंस नहीं है तो किस्त वाइज में भी सुविधा मिली है जी, कि अगर पूरा पैसा नहीं है तो किस्त में भी जमा कर सकते हैं। मिनिमम 25% जमा कर सकते हैं जी। और जो बिना कनेक्शन के चला रहे हैं उनको अभी एकदम चेक किया जा रहा है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी किया जाएगा। अच्छा, ये जो बकाया की बात चल रही है क्या इसमें कोई लिमिट है कि किसी ज्यादा हो या कम हो, व्यवस्था क्या है? देखिए व्यवस्था सब कुछ है, आप जैसे बकाया जी जी, आप जाएंगे ऑफिस पे संपर्क करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे जी। अगर आपकी बिल बाय डिफॉल्ट गलत आ गई है तो उसको भी सही करेंगे एडीओ साहब वहां। नहीं, हमारे पूछने का ये मतलब था कि जैसे जो बिल है, बिल तो लगभग 90% सबका बिल बकाया होगा, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। मैं ज़्यादा कम की बात कर रहा हूँ कि किसी का ज़्यादा है उनका कनेक्शन काटा जा रहा है कि क्या है, कैसे ये चीज़? देखिए नियमता जो है 10,000 के ऊपर जिनका बकाया है, चाहे वो 10,000 के ऊपर 15 हो, 20 हो, 40 हो, 1,00,000 हो। अच्छा, 10,000 के ऊपर जिनका भी रहेगा या तो बिल जमा कर दे या तो उनका तार कट जाएगा बकाया पर। ये सबके लिए चल रहा व्यवस्था कि कुछ लोगों के लिए? नहीं, कुछ लोग के लिए कहा है, सबके लिए, सबके लिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप, ठीक रखिए भैया।